टू जनरल्स किचन, मैं हूं आपकी होस्ट संध्या और आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूं पनीर टिक्का और पनीर टिक्का मसाला की रेसिपी। ये दोनों चीज़ें मैंने एक ही वीडियो में बनाई है। वीडियो थोड़ा सा लंबा रहेगा लेकिन आप यकीन मानिए अगर आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो आपने पहले जितने भी पनीर टिक्के खाए होंगे आप उसे भूल जाएंगे। तो चलिए फटाफट हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं और मेरी रेसिपीज अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल पर सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। को गैस में चढ़ा लिया है मैंने और इसमें हम ऐड करेंगे साबुत धनिया। 3 टीस्पून मैंने इसमें साबुत धनिया लिया है। उसके बाद ऐड करेंगे हम इसमें सौंफ, ये मसाले वाली बड़ी वाली सौंफ है, 1 टीस्पून। फिर हम ऐड करेंगे जीरा, ये ऐड करेंगे हम 2 टीस्पून। थोड़ा सा इसको हम भून लेते हैं और थोड़ी देर बाद हम इसमें ऐड कर देंगे खड़ी लाल मिर्चें। तो मैंने 2 खड़ी लाल मिर्च ली है, इसे बीच से तोड़ करके ले लिया है। और 10-12 हम ले लेंगे काली मिर्च, इसे भी इसके साथ में भून लेते हैं। मसाले को तब तक भूनेंगे जब तक इसमें अच्छी खुशबू ना आने लगे, क्योंकि ये मसाले से ही टिक्के का फ्लेवर बहुत अच्छा होने वाला है। अब इसे हम अच्छे से भूनने के बाद में निकाल लेंगे और इसे ठंडा हो जाने देंगे। फिर सेम पैन में हमें भूनना है बेसन। मैंने इसमें लिया है 1/2 कटोरी बेसन और इसे हमें कच्चापन इसका ख़त्म होने तक भूनना है। तो देखिए भूनने के बाद इसे भी हम निकाल लेते हैं। तो ये जो मसाले थे वो ठंडे हो चुके हैं, अब इसे हम ग्राइंड कर लेंगे और इसका हमें दरदरा पाउडर बना करके तैयार करना है। तो ये देखिए कुछ इस तरह से इसका पाउडर होना चाहिए, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करेंगे हम। उसके बाद में हम ऐड करेंगे इसमें दही। तो 2 बड़े चम्मच हम दही ले लेंगे। दही खट्टा नहीं होना चाहिए, बहुत कम जो खट्टा रहता है उसे कई लोग मीठा दही भी कहते हैं, वो दही हम यूज़ करेंगे। उसके बाद में जो बेसन हमने भुना है वो हम ले लेंगे और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। हमें इतने अच्छे से इसे मिक्स करना है ताकि इसमें गुठलियाँ ना रह जाएं, एकदम ये स्मूथ बन करके रेडी हो जाए पेस्ट। तो इसे अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद इसमें 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। 1 छोटा चम्मच हम ऐड करेंगे अदरक लहसुन पेस्ट। 1 टीस्पून हम ऐड करेंगे कश्मीरी लाल मिर्च। उसके बाद जो मसाला हमने भून के पीस के तैयार किया था वो हम पूरा इसमें ऐड कर देंगे और अच्छे से इसे मिक्स कर लेते हैं। तो ये देखिए कितने अच्छे से इसका मिक्स करके ये हमने पेस्ट रेडी कर लिया है। इसके बाद में हमें इसमें ऐड करना है 1 बड़ा चम्मच कसूरी मेथी, इसे हम क्रश करके अच्छे से डाल देंगे। एक छोटा चम्मच कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे। नींबू मैंने मेरा काफ़ी बड़ा था तो 1/4 मैंने नींबू लिया है। आप नींबू के साइज़ पे अगर जाएंगे तो 1/2 चम्मच। उसके बाद में हम नमक ऐड कर देंगे 1 टीस्पून और अच्छे से मिक्स कर लेंगे ये मसाले को। अब मैंने ये जो पनीर टिक्के के लिए पनीर कट किए हैं, ये 1/2 kg पनीर था, इसे मैंने मोटे टुकड़ों में काटा हुआ है। साइज़ आप पे डिपेंड करता है आप किस साइज़ के रखना चाहते हैं, पर टिक्के में ऐसे चौकोर और थोड़े मोटे पीस अच्छे लगते हैं। इन्हें हम मसाले में डाल देंगे और मसाले को इसमें कोट कर देंगे। ये अच्छे से अब हम मिक्स कर लेते हैं और हल्के हाथ से मिक्स करेंगे क्योंकि पनीर सॉफ्ट रहते हैं, टूटने का डर रहता है। तो इसे धीरे धीरे करके हमें मिक्स कर लेना है। तो ये देखिए मिक्स हो गए हैं। अब इसे हम मैरिनेट होने के लिए 1/2 घंटे के लिए छोड़ देंगे। 1/2 घंटे बाद अब इसे हम पका लेते हैं। तो पैन में हम ऐड करेंगे 2 बड़े चम्मच कुकिंग ऑयल और ये पनीर हम उठा करके अब पैन में रख देंगे। अगर आपके पास में ग्रिल पैन है तो आप ग्रिल पैन का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं है तो ऐसे भी आप बना करके खाएंगे, टिक्के बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। तो इसे हम एक एक करके रख देते हैं और इसे अच्छा गोल्डन ब्राउन होने तक हमें पकाना है, तब टिक्के का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है।
है। देखिए ऐसे करके हम सारे जो हमने पनीर कोट किए हैं वो रख देंगे। जितने जितना बड़ा पैन हो एक बार में जितने पनीर आ सके उतने आप रख दीजिए इसमें। अब थोड़ी देर बाद जब 3-4 मिनट हो जाएंगे इसे मीडियम फ्लेम पे ही हमें पकाना है, बहुत स्लो में नहीं। उसके बाद देखिए इसमें अच्छी सी एक कोटिंग आ गई है, ये देखिए, इसे तब तक ही पकाएंगे। तो दोनों तरफ ऐसे ही ये सेक जाने चाहिए। तो दोनों तरफ पलट के ये देखिए पका लिया है और इसका देखिए कितना अच्छा कलर आया है और देखने में कितनी ज़्यादा अच्छी लग रही है। तो बस अब हम इन्हें निकाल लेंगे। अब जो इसके साथ में बचा हुआ मसाला है उस मसाले में हमें कैप्सिकम और अनियन ऐड करना है। तो मैंने एक कैप्सिकम और एक अनियन ले लिया है कट करके और इस मसाले में इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि टिक्के में ये भी जो कैप्सिकम और अनियन होता है इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है अगर आप सिर्फ टिक्का खाना चाहते हैं तो। तो ये जो तेल बचा हुआ था इसमें हम इसे डाल देंगे और इसे भी हम भून लेते हैं। और यही सेम चीज़ें हम ग्रेवी के साथ में यूज़ करेंगे तो काफ़ी अच्छे जो मसाला इसका तैयार होगा पनीर टिक्का मसाला वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगने वाला है। तो ये देखिए कुछ इस तरह से ये पक जाएंगे। अब हम इन्हें निकाल लेते हैं और इसको प्लेट कर लेंगे, एक कैप्सिकम एक अनियन एक पनीर ऐसे करके। तो बस ये इसकी प्लेटिंग हो गई है, सिंपल सी और खाने में काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगती है। आप इसे ऐसे खा सकते हैं एज़ अ स्नैक। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ जिसमें हम बनाएंगे ग्रेवी। तो पैन में हम फिर से ऐड करेंगे तेल, कुकिंग ऑयल हमें ऐड करना है 2 बड़े चम्मच। उसके बाद में मैंने कट करके रखे हैं लंबाई में प्याज, ये 2 बड़े साइज़ के प्याज हैं, इन्हें लंबाई में कट कर लेंगे और तेल में डाल देंगे और इसे हमें ब्राउन होने तक पकाना है। तब इसे हम अच्छे से भून लेते हैं। ये देखिए धीरे धीरे ये ट्रांसपेरेंट हो गए हैं और इसका कलर अब धीरे धीरे चेंज होना स्टार्ट हो गया है। तो कुछ इस तरह से ये भून जाने चाहिए। अब इसके बाद हम ऐड करेंगे 2 मीडियम साइज़ के टमाटर, 2 हरी मिर्चें, 4 काजू, 4-5 काजू ले लेंगे जिससे इसमें एक थिकनेस आ जाती है और थोड़ा सा फ्लेवर और अच्छा हो जाता है। ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहते हैं अगर काजू नहीं अवेलेबल है तो आप काजू को स्किप कर सकते हैं। ये देखिए सॉफ्ट होने तक हम इसे पका लेंगे। अब इसमें 1 टीस्पून हम ऐड कर देंगे शुगर, इससे बहुत अच्छा ग्रेवी में एक फ्लेवर, क्योंकि शुगर इसे डोमिनेट नहीं करने वाला है पर टमाटर के खट्टेपन को ये बैलेंस कर देती है। तो बस इसे हम ठंडा करके स्मूथ पेस्ट बना करके तैयार कर लेंगे ग्रेवी के लिए। तो ये देखिए कुछ ऐसे कलर के दिखेगी। तो जब हम रेस्टोरेंट्स में खाते हैं तो ऐसी ही ग्रेवी का कलर होता है और ग्रेवी काफ़ी टेम्पटिंग लगती है। तो ये बस मसाला बन करके तैयार है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। मैंने सेम पैन ही लिया है, एक पैन में मेरे सारे काम हो गए, आप चाहें तो पैन चेंज कर सकते हैं। 1 बड़ा चम्मच हम कुकिंग ऑयल ऐड कर देंगे। अब इसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच ऐड कर देंगे। उसके बाद में 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करेंगे, यह है धनिया पाउडर, तो हम इसमें 1.5 टीस्पून धनिया पाउडर ऐड कर देंगे, 1 टीस्पून गरम मसाला, और इसे थोड़ा सा हम भून लेते हैं। बहुत हल्का सा भूनना है जिससे मसाले का कच्चापन ख़त्म हो जाए। अब जो हमने ग्रेवी का मसाला बना करके तैयार किया है वो इसमें ऐड कर देंगे। ऑलरेडी ये सब कुछ पका हुआ है तो बहुत ज़्यादा हमें इसे पकाने की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए मैंने जो सूखे मसाले हैं वो पहले ही पका लिए हैं। बस इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। तो देख ही रहे हैं पैन में ये चिपक नहीं रही है ग्रेवी का जो हमने मसाला बनाया है, क्योंकि
ऑलरेडी वो पका हुआ है, तो इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें हम ऐड कर देंगे 1 चम्मच दही। फिर से वही, दही खट्टा नहीं होना चाहिए, खट्टा दही ग्रेवी को और इस सब्ज़ी को बिल्कुल ख़राब कर देगा। अब बस इसे भी अच्छे से हम फेंट लेंगे। ग्रेवी का कलर आप देख रहे होंगे कि चेंज होता जा रहा है, बहुत ही अच्छा कलर आ गया है इसमें। अब इसमें हम ऐड कर देंगे 2 कप पानी। तो जो मैंने ग्राइंडिंग जार में मसाला पीसा था उसी में पानी ऐड कर लिया, ताकि उसका मसाला प्रॉपर जो बचा हुआ है वो इसमें आ जाए। अब ऐड कर देंगे इसमें हम नमक। नमक आपके स्वाद पे डिपेंड करता है, आपको कम ज़्यादा जैसा खाना है आप उसमें ऐड कर सकते हैं। अब इसमें उबाल आने तक हम इसे पकाएंगे। तो ये देखिए ग्रेवी में अच्छा उबाल आने लगा है, तेल भी अलग हो गया है और ग्रेवी काफ़ी स्मूथ और अच्छी दिख रही है। तो इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए अब इस ग्रेवी में जो हमारे बने हुए टिक्के थे वो हम ऐड कर देंगे। बस जितना भी हमारे पास में कैप्सिकम, अनियन और जो पनीर टिक्का था वो पूरा ऐड करके हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं इसे। ये देखिए एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल बन करके पनीर टिक्का मसाला तैयार है। अब इसका टेस्ट और अच्छा हो जाएगा जब इसमें आप हल्का सा हम लेंगे 1 छोटा चम्मच कसूरी मेथी और उसे क्रश करके हम ऊपर से ऐड कर देंगे और उसमें ऐड कर देंगे ऊपर से कद्दूकस किया हुआ पनीर, जिससे इसका देखने में ये बहुत अच्छी लगती है और ग्रेवी में एक और अच्छी थिकनेस और क्रीमीनेस आ जाती है। तो ये देखिए कुछ हमारी पनीर टिक्का मसाला इस तरह से दिखेगी। अब ये सर्व करने के लिए तैयार है। तो इसे एक सर्विंग बाउल में या जैसे आप सर्व करना चाहते हैं उसमें निकाल लीजिए और इसे गार्निश करके अच्छे से अपने मेहमानों के सामने सर्व कीजिए और ढेर सारे आपको कॉम्प्लीमेंट्स मिलेंगे। खाने में भी सबको ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगने वाली है और इसके साथ अच्छा सा पुलाव बनाइए, रोटी बनाइए, जो आपको अच्छा लगे आप इसके साथ बना करके सर्व कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने अच्छे से इसे सर्व कर दिया और गार्निश कर दिया है थोड़े से कद्दूकस किए हुए पनीर और हरे धनिया से। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये कैसे लगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।